खुदरा पटाखा व्यापार संघ की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राजस्थान में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पाबंदी लगने के बाद पटाखा व्यापारियों में नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां आज अजमेर खुदरा पटाखा व्यापार संघ के मेंबर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके चलते पटाखा व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और वे अपना घर खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस संबंध में आज उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर से पाबंदी हटाने की मांग रखी है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी जाएंगी तो व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम आज कलेक्टर साहब को पटाखों के लिए ज्ञापन देने आए हैं। इन्होंने रोक लगाई है राजस्थान सरकार ने, उसके विपक्ष में हम उसके विरोध में हम इनको ज्ञापन देने आए हैं। और पूरे भारतवर्ष में पटाखा चालू है और राजस्थान में मात्र किस कारण से लगाया गया रोक ये ध्यान नहीं हो रहा है। ये राजनीतिकरण है पटाखे का, हिंदू भावनाओं से ग्रसित होकर इन्होंने इस पटाखे पर बैन लगाया है। इन्होंने हम ये चाह रहे हैं कि पटाखे का बैन खुलना चाहिए, नहीं तो हिंदू भावना हाथ होगी इससे और व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। आज कलेक्टर साहब से मिले, किस तरह की बातचीत रही? कलेक्टर साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव बात करी है एकदम। उन्होंने कहा हम आपकी बात को आगे बिल्कुल सरकार तक पहुँचाएंगे और वो इस बात को लेकर सरकार को हमारा ज्ञापन पहुँचाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर क्या? हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे एकदम, हमारी ईंट के इससे ईंट बजाएंगे और बहुत तकलीफ हो रही है व्यापारियों को, सारे प्रतिष्ठान बंद है। हम गवर्नमेंट के सब नियम मानने को तैयार है किंतु रोजी रोटी का मामला है, इसलिए कोई नियम इस मामले में हम मानेंगे नहीं, हम बाध्य नहीं होंगे फिर गवर्नमेंट से। अनिल मेरा नाम है। पटाखे की बिक्री पे रोक लगा दी, इसकी इस उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे खोले जाए और हमारे व्यापार में अड़चन, करोड़ों रुपए का नुकसान है। किस तरह का आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया? उन्होंने कहा मैं जब भिजवाता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। आपका नाम बताएं। गोविंद गर्ग।